23 जून शुक्रवार, अपने पर्स में रख दे 9 में से एक चीज, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में आएगी सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेते हैं, अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पास धन आता है परंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास धन टिकेगा भी और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि ये बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। महालक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिनमें से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे अपने पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इसका आप अपनी इच्छा लिखकर इसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है, चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों को ही एक समान कहे गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़िया गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी आप पर्स में रखकर धन लाभ कमा सकते हैं। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व से घर में मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर के मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज्यादा मिल जाती हैं, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर प्रसन्नता ना हो तो फिर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोगों से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होता है, इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है।
तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और जब समय गड़बड़ चले तो विपरीत धारा में नहीं जाए बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाए। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तो शांत हो जाए, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है, और इलायची के प्रयोग से आप अपनी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन, जो खासतौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है, और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे, और शुक्र बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी पी लें, उसमें इलायची के एक दो दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद उस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहे तो गर्म करके या बॉइल करके आपको किसी भी शीशे में रख लेना है, और रोज नहाने के पानी में दो ढक्कन इस पानी को डालकर नहाएं। ये तो पवित्रता बढ़ जाएगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो एक सिंपल प्रयोग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में खूब सफलता पाए, तो छोटी इलायची और मिश्री या बताशे आपके पास जो भी है वो ले लें, और छोटी इलायची से दो दाने निकाल लें, मिश्री बताशे ले लें, और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो अच्छा है, और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे तरीके से करें। पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रही है, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है कि किसी शुक्रवार के दिन दो हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई, और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाए, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। आप किसी पत्ते या दोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें, और दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा, और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में जाइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम लें, और शुक्रवार के दिन तीन हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है कि पसीने से स्पर्श करें, ऐसा ना करें, लेकिन आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांध कर अपने पास ही रख लें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए, और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें दो चार इलायची के दाने अच्छे से मिला लें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें, और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर अपने पति को खिला दें। शुक्रवार को ये उपाय करें, या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताए उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें। घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाएं, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। अब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें, और उनको ये बीच बीच में आप दे रहे हैं, और वो आपकी ये इलायची खा लेते हैं, तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए, और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दें। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, ये काम भी करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं कि उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे दें, या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर कन्या मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखिए, आजमा के देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके जूनियर सीनियर हो गए हैं, आप वहीं पड़े हुए हैं, क्या करें। आप रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति पर आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को खिला दे, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो तीन इलायची रख लें, फिर बोले श्री 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 महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए, बाकी की पॉकेट में रख दें, बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी।
अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करे तब एक छोटा सा काम करें। माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको लाल कपड़े के हरी इलायची और लौंग दोनों ही अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं, या फिर आपको चाय या कॉफी लेने की आदत है तो एक इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें, आपका दिन बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो, कभी भी शुक्रवार के दिन तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है मांस मदिरा मछली वगैरह से दूर रहिएगा। शुक्रवार के दिन विशेष करके इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन कभी भी किसी भी महिला का निरादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी ऐसे किसी व्यक्ति से आशीर्वाद नहीं देती हैं जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं तो मान के चलिए कभी भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कभी भी शुक्रवार के दिन हो या प्रतिदिन हो, कभी भी महिलाओं का निरादर मत कीजिए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन कभी भी कोई खट्टी चीज मत खाइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से अवॉइड कर दीजिए, लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज मत खाइएगा। शुक्रवार के दिन जितना हो सके उतना मीठा खाइए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी उपाय आपको बताए हैं, वो उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।